एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आई है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। 2 मिनट का वीडियो है, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट्स में बताइए किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम आपको रोजाना अपडेट करते रहें। चलिए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर। यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण और सीटों के आवंटन में दावे आपत्तियों का निस्तारण की प्रक्रिया जारी है। पंचायती राज विभाग की ओर से जारी नए कार्यक्रम के अनुसार अंतिम सूचियों को 26 मार्च तक जारी किया जाना है। उसी दिन सभी जिलों से आरक्षित व अनारक्षित की गई सीटों का ब्यौरा पंचायती राज निदेशालय को भेज दिया जाएगा और निदेशालय से भी बगैर देर किए उसी दिन राज्य निर्वाचन आयोग को ये ब्यौरा सौंपा दिया जाएगा। वहीं 26 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव के लिए हाई कोर्ट के आदेश पर दोबारा तय हुआ आरक्षण और सीटों के आवंटन को लेकर दायर याचिका की सुनवाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उक्त याचिका खारिज कर दी है तो उम्मीद है उसी दिन या फिर अगले दिन आयोग चुनाव की अधिसूचना विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दे। चुनाव आयोग ने तैयार किया खाका। आपको बता दें यूपी पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव में मतदान की प्रक्रिया 30 अप्रैल तक पूरी करने के लिए खाका तैयार किया है। पहले बोर्ड परीक्षा शुरू होने से यानी 24 अप्रैल से मतदान की प्रक्रिया पूरी करवानी पड़ रही थी, जिसमें काफी दिक्कतें पेश आ रही थी। इसलिए राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे और बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम थोड़ा आगे बढ़ाए जाने का अनुरोध किया था। आगे आपको बताते चलें, सोशल मीडिया पर भी निगरानी। पंचायत चुनाव में सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इस बारे में सभी जिला अधिकारियों को बुधवार को निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार द्वारा निर्जिला अधिकारियों को जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान नागरिकों द्वारा भेजे जाने वाले SMS और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने वाली विविध सामग्री जैसे फोटो, वीडियो, ऑडियो क्लिप और संदेश पर विशेष निगरानी रखे जाने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और रोजाना पंचायत चुनाव की ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।